हमारे मेन कैरेक्टर का एक साथ दो लोगों के साथ अफेयर हो जाता है, पर ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। प्रॉब्लम तब आई जब वो प्रेग्नेंट हो गई। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एंडिंग बिगिनिंग्स ये 2019 की एक हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैसेज के साथ आती है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हमारी मेन कैरेक्टर डैफनी हमसे इंट्रोड्यूस होती है। अभी अभी उसका ब्रेकअप हुआ था, वर्क प्लेस पर कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, इस वजह से नौकरी छोड़कर डायरेक्टली अपनी सिस्टर के पास वो आ गई थी। अब कुछ दिनों के लिए सभी चीज़ों से वो ब्रेक लेना चाहती थी। सिस्टर के घर पर भी उसकी एक छोटी सी बेटी है, जिसे डैफनी का आना बहुत अच्छा लगता है। डैफनी अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश करती है, लोगों में घुल मिलने की कोशिश करती है, पर रात में उसे बहुत रोना आता है। वो अपने बॉयफ्रेंड को अभी भी मिस करती है। वो पहले आर्ट गैलरी में काम करती थी, उसे पेंटिंग वगैरह ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है, तो एक क्लास उसने ज्वाइन किया है जहाँ पर उसके कुछ फ्रेंड्स हैं। इन फ्रेंड्स से उसने बात की, कहा कि मुझे लगा था कि मैं उससे शादी करूँगी, हम हमेशा एक साथ रहेंगे। उसे अब लगने लग गया था कि वो भी अपनी मदर की तरह पूरी लाइफ सिर्फ प्यार ढूंढने में बिता देगी। उसकी मदर ने जब डिवोर्स लिया तो उसके बाद उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड थे, कभी भी एक जगह पर वो सेटल नहीं थी। अब डैफनी डिसाइड करती है डेटिंग से वो 6 मंथ्स के लिए ब्रेक लेगी, अपना फ्रीडम वो एंजॉय करेगी। वो आजकल फिर से न्यू जॉब ढूंढने की ट्राई करती है, पर कहीं भी उसे जॉब नहीं मिलता। अब क्रिसमस आ चुका था, तो अपने मदर से वो मिलने के लिए गई। मदर का अब और एक न्यू बॉयफ्रेंड है। मदर को लग रहा था कि डैफनी अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ है और वो नहीं आया। डैफनी जब उसे बताती है तो मदर ने कहा कि मुझे लगा ही था कि वो तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है, जैसी फायर एक रिलेशनशिप में होनी चाहिए ऐसा उसमें कुछ भी नहीं था। इसी बात पर सोचते हुए डैफनी को अपने बॉयफ्रेंड का और उसका एक फ्लैशबैक याद आया। उसे लगता था कि उनकी रिलेशनशिप एक ओल्ड कपल की तरह हो गई है, वो कभी भी न्यू चीज़ ट्राई नहीं करते। 31 दिसंबर को डैफनी के सिस्टर ने एक पार्टी रखी थी। डैफनी के कोई भी फ्रेंड्स नहीं, तो अकेली खड़ी थी। तभी उसके पास फ्रैंक आ गया, अपने आप को उसने इंट्रोड्यूस करवाया। वो पूछता है, तुम यहाँ कर क्या रही हो? डैफनी ने कहा कि मैं ज़रा ब्रेक ले रही हूँ। फ्रैंक ने पूछा कि तुम किससे छुप रही हो? डैफनी सिर्फ चाहती थी कि फ्रैंक उसे अकेला छोड़ दे, पर फ्रैंक ज़रा दूर जाकर उसे बात करता है। वो बहुत ही फनी और चार्मिंग था, पर डैफनी ब्रेक पर है तो ज़्यादा उससे बात नहीं करती। आगे पार्टी में वो हमारे और एक मेन कैरेक्टर जैक से मिली। जैक से पहले डैफनी ने बात की थी, उसे पता था कि जैक एक राइटर है। जैक भी डैफनी को देखते हुए पहचान गया, उसे पता था कि डैफनी आर्ट में कुछ काम करती थी। बातों बातों में डैफनी कहती कि वो अपनी सिस्टर के साथ रह रही है, फिर उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका जो भी सब हुआ था ये सारी बातें उसने जैक को बता दी। उसे ऑलरेडी पहचान दी थी तो उसे बात करना उसे बहुत ही ईजी लगा। जैक डैफनी को समझाता है, तुम अपने आप को बुरा फील करा रही हो, तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत किया, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम अगर खुद के बारे में सोचें तो हमें हमेशा लगता रहता है कि हम बुरे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। डैफनी को जैक की बातें बहुत अच्छी लगी थी। अगले दिन मॉर्निंग में फ्रैंक ने डैफनी को मैसेज किया, उसने उसे गम के गाने भेज दिए थे। डैफनी ने पूछा कि तुम्हें नंबर कैसे मिला। फ्रैंक ने आगे पूछा कि क्या अब भी तुम सोबर हो। डैफनी कहती कि मैं ठीक हूँ। अगले दिन जब वो अपने टेम्पररी काम पर थी तो वहाँ पर जैक आकर उससे मिलता है। जैक ने उसे पूछा, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक पर आओगी? डैफनी कहती है कि आजकल मैं कुछ भी ड्रिंक नहीं कर रही, पर तुम्हें कंपनी देने के लिए मैं आ सकती हूँ। इनकी फिर डेट फिक्स हो गई, पर डैफनी ने क्लियर कर दिया कि सिर्फ एज अ फ्रेंड ही डेट पर जा रहे हैं। डेट पर जैक डैफनी से कहता है, तुम मुझे बहुत ही अलग लगी, मुझे तुम्हें जानना था, एक लॉन्ग कन्वर्सेशन चाहिए थी। इसके बाद अलग अलग चीज़ों को लेकर ये दोनों बहुत बातें करते हैं। डैफनी पॉट्स पर डिजाइन करके उन्हें सेल भी करती थी, उसे बहुत अच्छा लगता था, तो ये भी जैक को उसने दिखाया। जैक कहता है कि तुम बहुत ही अमेजिंग हो। ये जब बात कर रहे थे तभी डैफनी को फ्रैंक का मैसेज आता है, उसने उसे मिलने के लिए बुलाया। फिर जगह फिक्स कर फ्रैंक और डैफनी अगले दिन मिले। फ्रैंक उसे कहता है, तुमने मुझे बहुत दर्द पहुंचाया, मुझसे ना कहा और जैक के साथ डेट पर गए। डैफनी को बात समझ में नहीं आती तो फ्रैंक ने कहा कि जैक मेरा बेस्ट फ्रेंड है। डैफनी इसके लिए सॉरी कहती है, उसने कहा वैसे भी सब चीज़ों से मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ। वो फिर से रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकती, उसने कहा मुझे तुम दोनों से बात नहीं करनी चाहिए। वो यहाँ से जाने वाली थी, इससे पहले एक दूसरे को हग करते हैं और डायरेक्टली किस करने लग गए। इन दोनों की फर्स्ट मीटिंग से एक दूसरे में अट्रैक्शन बहुत ही पावरफुल था, तो डायरेक्टली इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन डैफनी को जैक का मैसेज आया, उसमें लिखा था कि फ्रैंक और मेरी बात हुई, सब कुछ ठीक है, ज़्यादा वरी मत करो। डैफनी फिर फ्रैंक से पूछती है, तुमने उसे क्या बताया? फ्रैंक कहता है उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। डैफनी फिर फ्रैंक को बता देती है कि वो कोई भी रिलेशनशिप नहीं चाहती, वो एक दूसरे को डेट नहीं कर सकते। इसके बाद डैफनी को जैक का मैसेज आता है, इसमें लिखा था कि मुझे लगता है कि हम दोनों में कुछ स्पेशल है,
इसे और भी एक्सप्लोर करना मुझे अच्छा लगेगा। इस पर उसने जरा सोचा और अगले दिन जैक के पास डेट पर आके ये दोनों रियलाइज करते हैं कि जब एक साथ होते हैं तो बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, दोनों को स्मोकिंग अच्छी लगती है। डैफ्ने ने जैक से पूछा, तुम और फ्रैंक के दोनों कैसे दोस्त हो? जैक कहता है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पर फिर भी मैं उस पर ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकता। वो कभी भी गायब हो जाता है। उसने मुझसे पैसे लिए थे पर कभी भी वापस नहीं किया। उसकी लड़कियों के साथ अच्छी रिलेशनशिप नहीं बन पाती। उसकी लास्ट गर्लफ्रेंड उसकी वजह से पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। इन दोनों को एक्चुअल में एक दूसरे के साथ कनेक्शन महसूस हुआ था, तो आज रात दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन डैफ्ने अपनी नीस को जब स्कूल से घर लेकर आई तो उसकी सिस्टर और उसके हस्बैंड में झगड़ा चल रहा था। डैफ्ने बहुत दिनों से उनके घर पर रह रही है, इस सिस्टर के हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता। डैफ्ने ने यह सब बात सुन ली थी। उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे मैरिज प्रपोजल के लिए रिंग दी थी। इसे सेल करके जो भी पैसे आते हैं इसे रेंट पर हाउस ले लेती है। मूव इन करते वक्त अपने सब चीज़ों में उसे एक्स बॉयफ्रेंड का एक लेटर मिला। उसमें लिखा था कि शायद हम एक दूसरे से दूर चले गए हो, पर अगले जन्म में हम फिर से एक दूसरे को ढूंढ ही लेंगे। वो भी बिलीव करता था कि डैफ्ने उसके लिए परफेक्ट थी। वो उसे कमिटमेंट चाहता था, शायद डैफ्ने इसके लिए रेडी नहीं थी, इसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। अब अगले कुछ सीन्स में हम देखते हैं डैफ्ने और जैक की रिलेशनशिप आगे बढ़ रही थी। एक दिन फ्रैंक का उसे मैसेज आता है, कहता है तुम तो अच्छी तरीके से मूव ऑन कर चुके हो। डैफ्ने कहती कि मैं प्रोसेस में हूँ। डैफ्ने लिखती कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। अब कुछ दिनों के लिए जैक जरा काम से बाहर जाने वाला था। जैक का डॉग कहाँ रहेगा ये एक प्रॉब्लम था, तो डैफ्ने कहती है तुम्हारे यहाँ आकर रह सकती हो। जैक ने कहा कि फ्रैंक उसका ख्याल रख सकता है। आज रात जैक ने एक पार्टी रखी थी तो उसमें फ्रैंक भी आया। आज रात हम देख सकते हैं कि फ्रैंक और डैफ्ने की नज़र सिर्फ एक दूसरे पर ही थी। एक दिन फ्रैंक डैफ्ने के घर पर आ गया, कहता है फ्रैंक के डॉग को अब तुम्हें संभालना पड़ेगा। वो ट्रिप के लिए कहीं दूर जा रहा था। डैफ्ने कहती कि मेरे अपार्टमेंट पर डॉग्स रखना अलाउड नहीं है, पर फिर भी फ्रैंक उसे फोर्स करके रख कर जाता है। थोड़ी देर में फिर से वो वापस आया डॉग की लीज देने के लिए। ये दोनों एक दूसरे पर फ्रस्ट्रेटेड थे तो डायरेक्टली किस करने लग गए, वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। फ्रैंक ने डैफ्ने से पूछा क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो, डैफ्ने ने भी इसके लिए हाँ कह दिया। ये दोनों फिर बहुत सारे अलग अलग प्लेसेस घूमे, एक दूसरे के साथ एंजॉय किया। एक रात फ्रैंक डैफ्ने को एक पार्टी पर लेकर आया। सब कैरियोके कर रहे थे तो डैफ्ने को भी फोर्स किया जाता है। उसने एक अच्छा सा गाना गाया पर अचानक से फ्रैंक वहाँ से उठकर चला गया था। डैफ्ने उसे देखने के लिए गई तो नोटिस करती है फ्रैंक ड्रग्स कर रहा है। ये बात उसे सही नहीं लगती, उसने उसे कन्फ्रंट किया। फ्रैंक ने कहा कि मुझसे फाइट मत करो, हमारी रिलेशनशिप इतनी अच्छी चल रही है, इसे बर्बाद क्यों करना। इस तरीके की फ्रैंक की आदतों की वजह से डैफ्ने उसके साथ रह नहीं सकती तो उसे वो ब्रेकअप कर लेती है। उसे घर वापस आने में ज़रा लेट हो गया था। वो रियलाइज करती है कि आज तो उसकी सिस्टर का बेबी शावर है। वो लेट पहुंची तो उसकी सिस्टर की फ्रेंड्स उसके पीछे बहुत ही बुरा कह रही थी। डैफ्ने को अच्छा नहीं लगता तो वो चली जाती है। सारी सिचुएशन को लेकर डैफ्ने ने अपने फ्रेंड इंग्रिद से बात की। इंग्रिद पूछती कि यह सब हुआ कैसे। डैफ्ने ने कहा कि वही तो क्वेश्चन है, ये सब हुआ कैसे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैक अपनी ट्रिप से वापस आ गया था। डैफ्ने उसे फ्रैंक के बारे में कुछ भी नहीं बताती। वो ज़रा बोर हो रही थी तो जैक से कहती है चलो आज रात हम डांसिंग पर चलते हैं। क्लब में उसने एक पुराने कोवर्कर को नोटिस किया। उसे एक रात याद आती है जब वो ड्रंक हो गई थी तो यही कोवर्कर उसे अपने घर लेकर गया था। उसने उसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी पर डैफ्ने ने उसे रोक लिया था। उस इंसिडेंट के बाद वो डिस्टर्ब हो गई थी, पर आज रात उस कोवर्कर की आंखों में आंखें डालकर उसे और डरा देती है। आजकल जैक के साथ उसकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही थी। एक दिन उसे ज़रा अजीब लगने लग गया तो उसने प्रेगनेंसी टेस्ट करवाई तो एक पॉजिटिव आती है। वो घर पर आई तो जैक उसे कहता है कि मुझे एक अलग कंट्री में एक बहुत ही अच्छी जॉब की ऑफर आ गई है। वो बहुत ही एक्साइटेड था और डैफ्ने के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कंटिन्यू करने के लिए रेडी था। वो मंथ में एक दो बार उसे मिलने के लिए आ जाता, इस तरीके से वो रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सकते थे। डैफ्ने इस बच्चे को लेकर बहुत ही कन्फ्यूज थी। वो जैक को फ्रैंक के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है। उसे पता नहीं था कि बेबी किसका है। जैक इस बात से बहुत ही हर्ट हो गया, उसे घर से निकाल देता है। डैफ्ने अपने फ्रेंड इंग्रिद के पास आई, उसे सब कुछ इसे बता देती है। उसे समझ में नहीं आता क्या इस बेबी को उसे रखना चाहिए या अबॉर्ट करना चाहिए। इंग्रिद उसे बताती है कि तुम कुछ भी डिसीजन लो तुम्हारी आगे की लाइफ अच्छी ही होगी, पर एक बात ध्यान रखना, तुम हमेशा प्यार ढूंढती रही, तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई भी प्यार नहीं करता, पर अब तुम इस बेबी पर प्यार कर सकती हो। ये बेबी हमेशा पूरी लाइफ तुमसे प्यार करता रहेगा। ये बात डैफ्ने को समझ में आई और वो डिसाइड करती है कि इस बेबी को रखने वाली है। इसके बाद वो जैक से मिली। उसने कहा मैंने लाइफ में लोगों को बहुत हर्ट किया है, अब वो किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती।
इस बेबी की वजह से लाइफ में उसे एक अलग पर्सपेक्टिव मिला है। अब वो एक बेटर पर्सन बनना चाहती थी। जैक उसके लिए खुश था, पर वो डैफनी के लिए कुछ भी कर नहीं सकता, उसकी लाइफ का पार्ट बन नहीं सकता। आजकल डैफनी छोटे बच्चों को देखती है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है। अपनी नीस के साथ जो भी वो टाइम स्पेंड करती थी, वो भी उसके लिए स्पेशल था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसकी मदर का जो एग्जिस्टिंग बॉयफ्रेंड था, उसके साथ वो शादी कर लेती है। डैफनी सब लोगों से दूर एक जगह पर बैठी हुई थी, तो उसके पास उसकी मदर आई। उसे कहती है, तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक्स की है। मैंने जो भी किया, अपने लिए अलग अलग लाइफ पार्टनर ढूंढती रही, मैंने सिर्फ ये तुम्हारे लिए किया था, तुम्हें फादर का प्यार मिल सके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। डैफनी ने अब अपनी मदर को माफ कर दिया था। वो एक दिन अपने ओल्ड जॉब पर कॉल करती है। उसने जो भी सिचुएशन थी ये सही से समझा दिए। वो जॉब उसे फिर से वापस मिल जाता है। अब इसके बाद थोड़ा टाइम बीत चुका है। बहुत दिनों बाद एक दिन शॉपिंग करते उसे फ्रैंक मिला। फ्रैंक उसे देखकर बहुत ही सरप्राइज था। वो आजकल किसी और के साथ है, पर डैफनी को मैसेज कर एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। उसने पूछा कि क्या ये बेबी मेरा है। डैफनी कहती है कि मेरी बेटी सिर्फ मेरी है। जैक और फ्रैंक दोनों उसे छोड़कर चले गए, तो अब वो किसी के साथ भी उसे बांटना नहीं चाहती। फ्रैंक को सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने रियलाइज किया था कि लाइफ में फादर बनने के लिए अब वो रेडी था। नेक्स्ट सीन में डैफनी ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को लेटर लिखा। अब इतने सारे टाइम के बाद वो फाइनली मूव ऑन कर चुकी है। वो एक दिन जब अपनी मदर के साथ थी, तो मदर ने कहा, तुम मेरे साथ आकर रह सकती हो, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है, तुम्हारे बेबी को संभालना है। अपनी मदर का सपोर्ट डैफनी को बहुत अच्छा लगा और इस बात के लिए मान गई। वो कभी भी लाइफ में सेटल नहीं थी। एक मोमेंट पर उसे कुछ अलग चीज चाहिए थी, तो एक मोमेंट पर अलग। पर अब उसने रियलाइज किया है कि जिस मुकाम पर वो है वही ठीक है। वो इसे भागना नहीं चाहती, आगे की लाइफ भी अच्छी होगी। वो इस मोमेंट में खुश थी। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी में डैफनी को लगता था कि उसे सच्चा प्यार कोई भी कर नहीं सकता। उसकी सिस्टर, मदर, उसके बॉयफ्रेंड्स, कोई भी उसके लिए हेल्पफुल नहीं है। जब वो प्रेग्नेंट हुई, तब उसने रियलाइज किया कि जो प्यार उसे नहीं मिल पाया, ये प्यार वो अपनी बेटी को दे सकती है। बच्चे भी अपने पेरेंट्स से हमेशा प्यार करते हैं। इस रियलाइजेशन की वजह से डैफनी को अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी मिली। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और आप अपने आप का ख्याल रखिए।